हेलो दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वाधीनता दिवस एक संकल्प का दिन है, ऐसे संकल्प लें। और शिक्षा के लिए क्या संकल्प हमारा होना चाहिए, कैसी हमारी शिक्षा होनी चाहिए, ये भाषण आप जरूर बोलिए। गीत आंसू पहुँच कर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मगर मेरा देश रहना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता समारोह की इस मंच पर मुझे आज अपने विचार रखने का अवसर मिला, यह है मेरे लिए गौरव की बात है। आज हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षा तकनीक के क्षेत्र में हम विकसित हो चुके हैं। समाज में शिक्षा की बढ़ती रुचि और प्रतिस्पर्धा ने आज हमें बुद्धिमानी के शिखरों तक पहुंचा दिया है। आज की शिक्षा व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम है कि आज शिक्षा और तकनीक की होड़ मची हुई है, ये बात हमारे लिए ठीक है। लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में हम इंसानियत खोते जा रहे हैं। बताएं जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। संस्कार, नैतिक मूल्य, अच्छा बोलना, विनम्रता, सच्चा सम्मान, इन गुणों से विमुख हो रहे हैं। ऐसे में हमारी शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे अंक लेकर हमें इंसान बनना था, मगर हम बन गए अहंकार के पुतले। विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा वह है जो जीवन और चरित्र का गठन करे। केवल मात्र तथ्यों का संकलन करने से, ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण होना या बड़े पद को प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं है। पूर्ण समर्पण के बिना दीक्षा नहीं होती, विनम्रता के अभाव में भिक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो जीवन और चरित्र का गठन करे, तथ्यों का संकलन करने से शिक्षा नहीं होती। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगा कि हम स्वाधीनता के इस पावन पर्व पर ऐसी शिक्षा का संकल्प लें जिसमें इंसानियत का पालन हो, किसी के दुख दर्द को समझ सकें और मानवीय मूल्यों का सम्मान हो। ऐसी शिक्षा ही हमें स्वयं का बोध करवाएगी और महानताओं का निर्माण करेगी। ऐसी शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता ही हमारे वीर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, नफरतों को दिलों से मिटाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत।